हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 2, शेड्यूल टू बी डन ऑन 7th अप्रैल 2021। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन द फेवरेट थिंग्स। यस, योर फेवरेट थिंग्स, योर फेवरेट एनिमल, योर फेवरेट कलर, सीजन, डे, फ्लावर, फ्रूट, जस्ट टू मेक योर वोकैबुलरी। और बेटा, इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश के वर्ड्स की जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपके आसपास हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आपकी वोकैबुलरी को बिल्डअप करने के लिए वर्कशीट्स बनाई गई है। बहुत ही अच्छी है, यूज़फुल है और आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका ये सर्कल है, इसमें क्वेश्चन है, यू हैव टू नेम योर फेवरेट कलर। तो यहाँ आप कोई भी कलर नेम डाल सकते हैं, जैसे मुझे ग्रीन पसंद है तो मैंने ग्रीन डाला है, GREEN, ग्रीन। तो आप इसमें रेड, ब्लू, ऑरेंज, जो आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। मैंने आपको एक डाल के दिखा दिया, बाकी यहाँ पर आपको लिख के भी दिखा दिया। किसी किसी को ब्लैक भी बहुत अच्छा लग सकता है, तो जो आपको अच्छा कलर लगता है वो कलर, लेकिन ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग ठीक हो। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट है योर फेवरेट एनिमल। तो यहाँ पर डॉग, सिंपलेस्ट जो स्पेलिंग हो सकती है और जो इजीली जो आपके आसपास आपके पास पेट्स होते हैं, डॉग सब बच्चों को ज़्यादातर बहुत पसंद है, तो मेजॉरिटी विंस, इसलिए मैंने डॉग लिख दिया, आप कैट भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, फेवरेट सीज़न, समर बच्चों को बहुत पसंद होता है क्योंकि आइसक्रीम्स खाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर समर सीज़न लिखा है, SUMMER। डे, संडे, एंड देन फ्लावर, लिली। और इसके बाद देखिए, फ्रूट, मैंगो, फेवरेट, यस, बच्चों का सबसे फेवरेट फ्रूट। अब देखिए, डेज ऑफ द वीक, यहाँ पे आपको फिलअप के फॉर्म में दिया गया बेटा, डेज ऑफ द वीक, आप संडे मंडे, आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, तो स्पेलिंग भी साथ साथ अच्छे से याद करेंगे, SUNDAY, संडे। देन नेक्स्ट क्या होगा, वेरी गुड, MONDAY, मंडे। देन TUESDAY, ट्यूजडे। आफ्टर दैट, जिसे आप बोलते हैं सोमवार, मंडे आपका हो गया, ट्यूसडे मंगलवार, वेनसडे। तो आज वैसे भी क्या है, वेनसडे, WEDNESDAY, वेडनसडे। देन आपका है थर्सडे, तो देखिए थर्सडे सभी को पता है, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। एंड फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से आपके साथ जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, तो कितने दिन होते हैं, 7 डेज। ये भी पूछा जा सकता है, विच डे कम्स आफ्टर मंडे, तो आपसे पूछा जाए विच डे कम्स आफ्टर मंडे, तो मंडे के बाद कौन सा आता है, ट्यूसडे। अब जब बिफोर कहेंगे, विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, तो क्या आ जाएगा, बिफोर मतलब पहले, तो आएगा मंडे, ट्यूसडे से पहले क्या आता है, मंडे। तो इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको रिवाइज कर सकते। नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स, तो बेटा जो सबको बच्चों को ज़्यादातर फ्रूट्स पसंद हैं और इजीली जिसकी स्पेलिंग बच्चों को याद होती है, MANGO, मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, ऑरेंज कलर भी होता है, सेम स्पेलिंग है, ऑरेंज कलर भी होता है, और ऑरेंज आपको पता है संतरा, संतरी रंग हो गया, और संतरा फ्रूट, ऑरेंज, दोनों की स्पेलिंग सेम है। उसके बाद देखिए, 5 फ्लावर्स नेम, तो LILY, लिली, लोटस, मैरीगोल्ड जिसको गेंदे का फूल भी कहते हैं, लोटस जो हमारा कमल का फूल है, गुलाब का फूल, रोज और ट्यूलिप। तो ये बहुत ही इजी, जिन फ्लावर्स को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हो, बहुत आसानी से आप जिन्हें पहचानते हो और आपको इजीली उनकी स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स नहीं है, मैंने वही लिखने की कोशिश की। आप कोई और भी लिख सकते हो जो आपके फेवरेट फ्लावर्स हों, उनका नाम भी लिख सकते हो। देन वेजिटेबल्स नेम, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, POTATO, पोटैटो। टोमेटो का मतलब क्या होता है, टमाटर। पोटैटो, देखिए पोटैटोस जैसे आप बोल रहे हो, प्रोनंसिएशन भी उसकी बेटा साथ साथ आपको सीखनी है और उसी से ही आपकी स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी। तो पोटैटो क्या है, आलू। लेडी फिंगर, LADY, लेडी, FINGER, फिंगर। तो लेडी फिंगर क्या होता है, भिंडी। अब देखिए, BRIN
JAL ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या है बैंगन, और PEAS पीस, पीस क्या है मटर। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपको पता है फिर से कोविड जो है वो स्प्रेड हो रहा है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क, ऑलवेज फॉलो द फिजिकल डिस्टेंस, मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा हम सब अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हम हर चीज़ को इंजॉय कर पाएंगे, इसलिए आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, और कीप लर्निंग एंड एंजॉयिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।